एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से। बड़ी खबर, सूरतगढ़ में सिटी थाना क्षेत्र में हनी ट्रैप का मामला। घर में बंधक बनाकर 35,000 की मांग और पैसे नहीं देने पर रेप का मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी दी गई। तो ये श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रेप की धमकी दी गई है। सिटी पुलिस ने 3 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हनी ट्रैप का मामला सामने आया। घर में बंधक बनाकर 35,000 की मांग रखी गई और पैसे नहीं देने पर रेप का मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी गई। आपको बता दें कि इस मामले में सिटी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हनी ट्रैप का ये मामला है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं। 35,000 की मांग रखी गई और पैसे नहीं देने पर रेप का मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी गई। आपको बताते कि घर में बंधक बनाकर 35,000 की मांग रखी गई, पैसे नहीं देने पर रेप का मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी। सिटी पुलिस ने 3 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच को शुरू कर दिया। सिटी थाना क्षेत्र में यह हनी ट्रैप का मामला सामने आया, जहां पर घर में बंधक बनाकर 35,000 रुपए की डिमांड की गई और पैसे नहीं देने पर रेप का मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। ऐसे में सिटी थाना पुलिस ने नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पैसों की डिमांड की गई। और अधिक जानकारी के लिए प्रदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रदीप, देखिए जिस तरह से मामला सामने आया, हनी ट्रैप का पूरा मामला है, 35,000 की डिमांड मांगी गई और डिमांड पूरी नहीं होने पर रेप का मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। ऐसे में आपके पास क्या ताजा जानकारी इसको लेकर? जी इंदु, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूरतगढ़ में अजनरत एक छात्र को है जो हनी ट्रैप का शिकार बनाया गया है। इसमें पुलिस ने 2 महिलाओं को है अभी तक गिरफ्तार किया है। और इसमें बड़ी बात ये सामने आई है कि उक्त महिलाओं ने छात्र को घर पे बुला के बंधक बना लिया था, जिसके बाद छात्र के दोस्त ने है जो सिटी थाना में इसकी सूचना दी, जिस पर सिटी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्र को इनके बंधन से मुक्त करवाया और फिर इन महिलाओं को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस है जो इन महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच कर रही है। जी प्रदीप, कितनी महिलाएं हनी ट्रैप के मामले में शामिल? इसमें 2 महिलाएं हैं जो शामिल है, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं एक युवक भी शामिल है, जिसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि श्री गंगानगर के सूरतगढ़ का ये मामला है, जहां पर हनी ट्रैप का मामला सामने आया। 2 महिलाओं ने मिलकर एक व्यक्ति से 35,000 की डिमांड रखी।